कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। देख, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी में हम लोग को एक्चुअली ये चीज समझ में आया कि जो कंट्री जिस चीज में जिसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है प्रोडक्शन का, वो वही चीज प्रोडक्शन करेगी और एक्सपोर्ट करेगी। वेर इज कंपैरेटिव एडवांटेज में क्या होता है कि वेंस वी गेट एन कंपैरेटिव बेनिफिट, क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है कि इंडिया, मैं इंडिया में बैठी हूँ, मैं कोई चीजें सपोज मैं इंपोर्ट कर सकती हूँ फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज और फ्रॉम सम एशियन कंट्री। तो एज एन इंडिया, मैं इंडियन मैं पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, मुझे जो चीज यूएस से मिलेगा 10 रुपए में, और मुझे अगर वही चीजें कोई एशियन कंट्रीज लाइक नेपाल अगर मुझे वो चीजें एक्सपोर्ट कर रहा है इन 12 रुपीज, तो मुझे नेपाल से लेना ज्यादा सस्ता पड़ेगा, बिकॉज मैं अगर यूएस से या यूरोप से कहीं लेती हूँ, वहां से अगर इम्पोर्ट करवाती हूँ, तो मुझे एक ट्रेड का कॉस्ट पड़ेगा, मेरा जो कॉस्ट ऑफ तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन है, देन टैक्सेशन है, इम्पोर्ट टैरिफ, वो मेरा हाई होगा रादर देन टेकिंग इट फ्रॉम नेपाल और सम अदर एशियन कंट्री। तो मैं क्या करूंगी, मैं कंपेरेटिव एडवांटेज देखूंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि, हाँ मतलब जो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जिस चीज को एकदम सस्ता बना रहा है, जो कंट्री एकदम सस्ता बना रहा है, मैं वहीं से इंपोर्ट करूंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे अगर कंपैरेटिव बेनिफिट मिले कि नहीं, हाँ नहीं ऐसा तो नहीं है ना, मुझे सस्ता ही मिलेगा, क्योंकि मुझे, मैं अगर यूएस से ले रही हूँ तो मुझे यूएस से लाने में भी तो खर्चा पड़ रहा है। मैं यूएस से 10 रुपए का सामान ला रही हूँ, 10 रुपए के संग इम्पोर्ट टैरिफ पड़ रहा है, मेरा टैक्स पड़ रहा है, देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैं यूएस से जो चीज लाऊंगी ट्रांसपोर्ट करा के और वही चीज मैं नेपाल से लाऊंगी, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट किस में, नेपाल में कितना पड़ेगा, नेपाल और यूएस में बहुत वैरी करेगा मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करेगा। तो हाँ, तो वही मुझे बता रहे कि जो एकदम सस्ता है मैं वही से लेने नहीं जाऊंगी, मुझे जो कंपैरेटिव बेनिफिट मिले कि नहीं भाई, मैं अरब कंट्री से लूंगी तो मुझे 15 रुपया पड़ेगा, यूएस से लूंगी तो 10 रुपया पड़ेगा, तो चलो मुझे इन बिटवीन नेपाल से सस्ता पड़ रहा है 12 रुपए में, तो मैं नेपाल से भी ट्रेड कर सकती हूँ, राइट। तो ये है कंपैरेटिव एडवांटेज। अब आता है हेस्कीर ओहलिन थ्योरम। नाउ हेस्कीर ओहलिन थ्योरम क्या बताता है कि हर कंट्री का अपना कुछ कंपैरेटिव बेनिफिट है, अपने कुछ एडवांटेजेस है, राइट। अभी कोई कंट्री में हर कोई का अपना अपना फैक्टर एनवायरमेंट है, हर कंट्री तो एक जैसा नहीं रहता है, कि कोई कंट्री में तुम्हारा लेबर इंटेंसिव, माने किसी कंट्री में लेबर ज्यादा है और किसी कंट्री में कैपिटल ज्यादा है। तो एक कंट्री जहाँ पर लेबर ज्यादा है, दे शुड यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, वेयर इज अ कंट्री वेयर इज देयर मोर कैपिटल, जैसे यूएस, उनको ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करनी चाहिए। सो इट डिपेंड्स, हेस्किल ओहलिन लॉ ऑफ फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, इट आर्ग्यूज दैट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल कंट्रीज वुड रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द प्रीवियसली रिलेटिवली लो लेवल्स ऑफ लैंड रेंट्स एंड अ ड्रॉप ऑफ हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल वेज इन द एग्रीकल्चरल कंट्री। मतलब यहाँ सिंपल सा एक ही चीज बता रहा है कि दे आर फ्री ट्रेड फ्री कॉम्पिटिशन हेस्किल ओहलिन थ्योरम के हिसाब से। तो हेस्किल ओहलिन थ्योरम के हिसाब से जो कंट्री जिस चीज में बेटर है उसको वही काम करना चाहिए। सो देयर आर सर्टेन इंप्लीकेशन ऑफ हेस्किल ओहलिन थ्योरम, ट्रेड इन एडिक्शन टू ट्रेड गेन्स शुड बी हाईएस्ट अमंग कंट्रीज विद हाईएस्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंसेस, ट्रेड शुड एनेबल कंट्रीज टू स्पेशलाइज मोर इन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स दैट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम इम्पोर्ट्स, ट्रेड पॉलिसी रादर देन टेकिंग द फॉर्म ऑफ ट्रेड सिमुलेशन शुड टेक द फॉर्म ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, countries should be exporting goods making use of their relatively abundant factors, free trade should equalize factor prices not between countries with markedly different factor endowment but between countries with fairly similar relative factor endowment, factor prices should be almost equal between countries with liberal mutual trade, differences in factor endowments stimulate international investment and international investment should be negatively correlated to international trade. Now, Leontief paradox. The central notion of the Heskey-Rowland theory that is that a country exports goods making use of the abundant factor in the country and imports goods making use of the Leontief paradox. Page number 19. Leontief paradox क्या बोल रहा है कि Heskey-Rowland theory ने बता दिया कि भाई, सॉरी, Leontief paradox, Heskey-Rowland theory में हमने समझा है कि भाई जो जिस चीज में बेटर है
मेरे कंट्री में ज्यादा लेबर है तो मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रही हूँ, वो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर लियोनटिक पैराडॉक्स आया। दिस प्रोपोजिशन वॉज टेस्टेड इन 1953 इन द यूएस बाय वेस्ली लियोनटिक, द विनर ऑफ 1973 नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। यूजिंग द ट्रेड फिगर्स ऑफ 1947 एंड इनपुट आउटपुट टेबल्स कवरिंग 200 कंट्रीज, ही फाउंड दैट यूएस इम्पोर्ट्स वेयर कैपिटल इंटेंसिव एंड एक्सपोर्ट्स वेयर लेबर इंटेंसिव। उन्होंने देखा कि यूएस का इम्पोर्ट, जहाँ के हम लोग बोलते हैं कि यूएस में तो ज्यादा कैपिटल है, लेकिन यूएस का इम्पोर्ट्स को देखा गया, यूएस इम्पोर्ट्स वेयर मोर कैपिटल इंटेंसिव एंड एक्सपोर्ट्स वेयर लेबर इंटेंसिव, बिकॉज दिस रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्टेड द हेस्किर ओलन थ्योरी प्रेडिक्शन। इट हैज केम टू नोन एज लियोनटिक पैराडॉक्स। मतलब ये हम लोग इकोनॉमिक्स में ही पढ़े थे ना, डायमंड वाटर पैराडॉक्स, कि पानी जो है उसका बहुत वैल्यू है न्यूज, बट अगेन वो पानी जो है, मैं मतलब पानी का कोई मॉनिटरी वैल्यू नहीं है, और डायमंड जिसका कोई मैंने यूसेज वैल्यू नहीं है बट उसका मॉनिटरी वैल्यू बहुत हाई है। वही चीज यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि हेस्किर ओलन थ्योरम के हिसाब से जिस कंट्री के पास ज्यादा लेबर है दे शुड प्रोड्यूस लेबर इंटेंसिव गुड्स एंड एक्सपोर्ट दैट, वेर इज जिस कंट्री के पास ज्यादा कैपिटल है वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन करेगा। बट लियोनटिफ ने ये चीज एनालाइज किया इन 1947, उन्होंने देखा कि यूएस का इम्पोर्ट जो है दैट इज कैपिटल इंटेंसिव, वेर इज एक्सपोर्ट्स वेर लेबर इंटेंसिव, बिकॉज दिस रिजल्ट कॉन्ट्राडिक्टेड द हेस्किर ओलन, इट हैज केम टू नोन एज लियोनटिफ पैराडॉक्स। द स्टडी बाय लियोनटिफ मोटिवेटेड फर्दर इम्पेरिकल रिसर्च, द इम्पेरिकल एविडेंस कलेक्टेड सिंस देन शो सेवरल paradoxical results and contain serious challenges to the general applicability of factor endowment explanation in other countries such as Japan, Canada, India and Germany. That means Leontief ने ये अच्छे से study किया कि after all ये क्या है, concept क्या है। The Leontief paradox stimulated a search for explanation. Demand bias for capital intensive good. The US demand for capital intensive good is extremely strong that it could reverse the US comparative cost advantage such good. यहाँ पे बता रहा है कि यूएस में कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का बहुत डिमांड है, दैट इट कुड रिवर्स द यूएस कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। माने यूएस अगर खुद एक्सपोर्ट करे तो उसके लिए महंगा पड़ेगा, इसलिए वो इंपोर्ट कर लेता है कैपिटल इंटेंसिव गुड्स। एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेड बैरियर, द लेबर इंटेंसिव इंपोर्ट्स वेर रिड्यूस्ड बाय ट्रेड बैरियर्स दैट वेर इम्पोज्ड टू प्रोटेक्ट एंड सेव जॉब्स इन अमेरिका। लेबर इंटेंसिव इम्पोर्ट जो है उसको कम से कम किया गया, माने अब अमेरिका में जहां पर हम लोग जानते हैं कि लेबर कम है, स्टिल वहां पे लेबर इंटेंसिव इंपोर्ट्स को रिड्यूस किया गया बाय ट्रेड बैरियर्स, जिसके कारण दैट प्रोटेक्टेड एंड सेव द जॉब्स इन अमेरिका।